दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाई भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में जो न्यू भर्ती आई है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो हम बात करते हैं, ये पहली बार आई हुई है भाई, ये बता देता हूँ। जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर ये लिख रखे 2/201/2023, ये मतलब पहले आई हुई थी। जिन्होंने पहले अप्लाई करा था उनको फीस में छूट मिल जाएगी, अगर कोई आगे नहीं अप्लाई करना चाहता उसकी रिफंड हो जाएगी। इन्होंने इसमें लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, 22/3 से फॉर्म स्टार्ट है, 21/4/2024 लास्ट डेट है। जैसे इसमें भर्ती है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की है, पीजीटी है, टीजीटी है, जूनियर इंजीनियर है, हॉस्टल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, जेबीटी, जूनियर स्केल, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, अकाउंटेंट, कलर्क, लैब अटेंडेंट, अटेंडेंट डार्क रूम, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, पंप ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं सब भर्तियाँ भाई, इसमें दिखा रखा है किसकी कितनी वैकेंसी है, जनरल की कितनी है। ठीक है, नीचे एग्जाम का पैटर्न दिखा रखा है इन्होंने। एक बार मैं किसी एक का दिखा देता हूँ आपको। जैसे देख सकते हो भाई, ये अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स, जेई वगैरह के लिए ये है। 50 नंबर का होगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें ऑप्शन टाइप आएंगे, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 30 नंबर का, और फिर क्वालिफिकेशन के नंबर लगेंगे। जैसे आपके 10वीं में इतने परसेंट है, नीचे इन्होंने फार्मूला दे रखा है। ठीक है, तो आप ये पूरी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और 22/3 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।